हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली न्यूज एनालिसिस में। मेरा नाम है तरुण तिवारी। बच्चों, आपके सामने लेके हाजिर हो चुके हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वगैरह होंगे उसी को हम एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से, कौन सी खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी संभावना रखते हैं आने की। दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी चीजें आप जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो एमसीक्यू के फॉर्म में काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो क्वेश्चन ये पक्का आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स आ चुके हैं जो छोटे फोन चलाते हैं, फीचर्स फोन मतलब की पैड वाला फोन आप देखते होंगे, उनके लिए भी अब एक तरीके से पेमेंट वगैरह की सुविधा हो गई। अब कोई नहीं कहेगा भैया हमारे पास टच का फोन नहीं। तो आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव? पहले तो दो चीजें ने आरबीआई ने दो चीज को लॉन्च किया है। तो एक तो इसने किया है डिजिटल पेमेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल 24/7 आपका हेल्पलाइन सुविधा है, तो उसका नाम क्या है पूछा जाएगा आपसे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है डिजी साथी के नाम से लॉन्च किया है। तो उसमें तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी क्या क्या चीजें हमें हेल्पफुल है डिजिटल पेमेंट्स के रिकॉर्डिंग। और एक बड़ी चीज जो आपके सामने आई है, इसने क्या किया आरबीआई ने लॉन्च करके, टू इनिशिएटिव्स में, एक तो आपको डिजी साथी बताया, दूसरा क्या है कि एक यूपीआई जिसका नाम है UPI 123 Pay, ये क्या करने वाली है, ये प्रोवाइड्स करेगी यूपीआई पेमेंट्स फैसिलिटी ऑन फीचर फोन्स। ठीक है, जो फीचर्स फोन होते हैं उनको प्रोवाइड करने वाली है। बाकी डिजी साथी तो आपको बता ही दिए कि क्या है, हेल्पलाइन है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो यूपीआई जो है आपका UPI 123 Pay है प्रेजेंटली ऑफर फॉर फोर मीडियम्स यानी फोर ऑप्शंस टू द यूजर्स ऑफ द फीचर्स फोन। ठीक है ना, जो फीचर फोन रखते हैं उनको पेमेंट्स के लिए चार मोड्स का ऑप्शन वगैरह देगी। और जो आपके डिजी साथी वगैरह जो इन्फॉर्मेशन डिजी साथी के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए दो प्लेटफॉर्म है, टोल फ्री नंबर है, ये नंबर दबा के आप 1800-891-3333 करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और शॉर्ट कोड भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आरबीआई की तरफ से आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है आपके सामने, इन इंडिया जन औषधि दिवस मनाया जाता है आपका 7 मार्च को प्रत्येक वर्ष। ठीक है ना, क्या करने के लिए, रेज अवेयरनेस अबाउट द यूजेस ऑफ जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, 7 मार्च को प्रत्येक वर्ष आपका क्या मनाया जाता है, जन औषधि दिवस। तो द ईयर 2022 यानी इस वर्ष का जो साल था आपका, जो साल है ये जो 2022 चल रहा है, तो कौन सा जन औषधि दिवस मनाया गया, 5वां 8वां 6वां या चौथा या 5th 8th 6th या 4th। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, 4th जन औषधि दिवस हमने इस वर्ष मनाया है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं क्या है। तो यहाँ सारी जानकारी आपको मिल ही रही, देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेट अवेयरनेस अबाउट द यूजेस ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड बेनिफिट्स ऑफ द जन औषधि परियोजना। ठीक है ना, द थीम क्या थी इस बार का ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, जन औषधि जन उपयोगी इस बार का थीम रहा है। द इंटायर वीक 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक इसको मनाया गया, जन औषधि वीक। ठीक है ना, तो फिर आगे क्या है, द सेलिब्रेशन आर ऑर्गेनाइज कब से किया जा रहा है, 2019 से किया जा रहा है, किसके द्वारा, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के तहत। ठीक है ना, जो किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ये इतनी जानकारी आपको मिल गई, आशा करते हैं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन इससे रिलेटेड बने तो आप करने में सक्षम रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पैन इंडिया प्रोग्राम भैया जिसका नाम है झरोखा, झरोखा हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये भी ध्यान में रखना, पता चला सब पढ़ लिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया ही नहीं जाने। ठीक है ना, तो लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके लिए, टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स एंड आर्ट एंड कल्चर, यानी जो हमारी कला संस्कृति सारी चीजें हैं, भारतीय क्राफ्ट वगैरह है, इसको बढ़ावा देने के लिए झरोखा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो ये कहाँ पे, द इनॉगरल सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन विच सिटी, किस शहर में इस प्रोग्राम को इनॉगरेट किया गया, मनाया गया, भैया बताओ, लखनऊ, भोपाल, गुरुग्राम या नोएडा। तो ध्यान रखना बच्चों, भोपाल जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश यानी MP की राजधानी है। ठीक है ना, तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इनके सारा काम किए हैं झरोखा, जो कि कंपेडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर। ठीक है ना, टू सेलिब्रेट द इंडियन आपका ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा प्रोग्राम का इनका नामकरण था। झरोखा क्या है, एक पैन इंडिया प्रोग्राम है जो कि मनाया गया, विल भी मनाया जाएगा।
ठीक है ना, विल बी हेल्ड इन एट 16 लोकेशंस इन 13 स्टेट्स। देख रहे हैं भाई साहब, 16 लोकेशंस में मनाया जाएगा, 13 स्टेट्स एंड यूटीज मिला के एज पार्ट ऑफ द आजादी का महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं इस बार। तो ये फर्स्ट इवेंट्स कहाँ सेलिब्रेट किया गया, भोपाल में सेलिब्रेट किया गया, ठीक ना। और कहाँ पे, अभी हाल ही में एट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ना, जो कि अभी हाल ही में नामकरण वगैरह बदल दिया गगया। तो ये किसका अंतरराष्ट्रीय वीमेंस डे जो मनाया जा रहा है आपका, इसी के अवसर पर इस सब सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मेनी वीमेंस वर फेलिसिटेटेड विद द नारी शक्ति पुरस्कार। जैसा कि आपको पता है 1 तारीख से 8 मार्च तक हमने अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस वीक वगैरह मनाया, फिर 8 मार्च को वीमेंस डे मनाया, तो उसी के अवसर पे सारे ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके दिए गए पुरस्कार वगैरह। तो वही आपका नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया 2020-21 का मिला के। तो इस ओकेजन पे अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 8 मार्च को, तो कितने लोगों को दिया गया ये नारी शक्ति पुरस्कार, 29, 31, 34, 24 या 18, तो ध्यान में रखना बच्चों 29 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सारी जानकारी आपके सामने है, 8 मार्च को दिया गया राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में, 29 महिलाओं को दिया गया ये अवार्ड फॉर द ईयर्स 2020-2021 2021-22 का, ठीक है ना। उनके आउटस्टैंडिंग एंड एक्सेप्शनल वर्क टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी महिला सशक्तिकरण की तरफ ज्यादा से ज्यादा योगदान देने के लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि वल्नरेबल थी और मार्जिनाइज थी, ठीक है ना। देयर वर टोटल 28 अवार्ड्स विच इंक्लूड 14 इस साल का और 14 2020 के, यानी 21-20 का 14-14 भैया 14 अवार्ड, 14 महिलाओं को चुना गया 21 के लिए, 2020 के लिए, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पुरस्कार को। सीडैक हैज लॉन्च्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम गंगा, ठीक है ना। परम गंगा नाम से नया सुपर कंप्यूटर आपका लॉन्च किया गया है। अभी तक कंप्यूटिंग कैपेसिटी कितनी भाई साहब, 1.66 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है ना, पर सेकंड की स्पीड से भैया लोग कंप्यूट करेंगी। तो ये सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, IISER पुणे, IIT दिल्ली रुड़की या ISC बेंगलुरु। तो ध्यान रखना बच्चों IIT रुड़की में इसको इंस्टॉल किया गया, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी जानकारी है परम गंगा, जो कि IIT रुड़की 7 मार्च को किसके तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, ठीक है ना। इसकी क्या है कैपेसिटी, 1.66 पेटा फ्लॉप्स पे काम करेगा, मतलब आप समझ सकते हैं ना कितनी खतरनाक स्पीड है इसकी। चलिए पहला यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA 5 कंक्लूडेड विद हाउ मनी रेजोल्यूशन, या कितना रेजोल्यूशन वगैरह लिए ये आपको बताना है, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली प्रोग्राम मनाया गया। तो टोटल इन्होंने जो रेजोल्यूशन लिए, ध्यान में रखना 14 रेजोल्यूशन इन्होंने लिए, 17, 9, 11, 14, तो सही जवाब है आपका 14 रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यही है सारी बातें, बस रेजोल्यूशन लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्थाएं, जब सामने चीजें आती हैं तो फिर आप देख ही सकते हैं कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। 28 फरवरी से 2 मार्च तक के बीच में अपना मनाए, फिर उसमें इन्होंने अपना क्या रखा, थीम वगैरह भी रख दिया कि स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इन्होंने थीम वगैरह रखा, ठीक है ना। बस इन्होंने बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ होने वाला तो है नहीं, सब जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं सब इसमें शामिल रहेंगे, वो सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं। द असेंबली कंक्लूडेड विद द 14 रेजोल्यूशंस टू स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट नेचर एंड पॉल्यूशन फ्री प्लानेट टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देख रहे हैं किस किस पे बात की है, क्लाइमेट पे, नेचर पे, पॉल्यूशन फ्री प्लैनेट्स को बनाने के लिए। बाइनियल होता है मतलब साल भर में दो बार। UNES इज ऑस्टेड बाई द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP कितनी बड़ी संस्था है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से लेके। तो 193 मेंबर्स हैं इसके, जो कि UN के जो मेंबर्स हैं सब इसके मेंबर्स हैं। बिजनेस, सिविल सोसाइटी, अदर स्टेक होल्डर टू द एडर्स वर्ल्ड मोस्ट प्रेसिंग, सारी बातें आप देखिए बड़ी अच्छी लगती है देख के सुन के, ग्राउंड लेवल की हकीकत कुछ और ही होती है। बाकी हमें यही जानना है भैया कितना रेजोल्यूशन वगैरह लिए, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या है, होस्ट कौन करता है, ये सब जानकारी मिल गई, अपना काम हो गया, निकल लो आगे। NOO 2, ठीक है ना, NOO 2 इसका क्या है, मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया भैया किसके द्वारा, अभी कौन सा देश, इसराइल, ईरान, सिंगापुर या माली। तो ध्यान रखना बच्चों NOO 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। कौन सी इनका भैया क्या सिस्टम है, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है NOO 2 इनटू ऑर्बिट
एट एन एल्टीट्यूड कितना ऊपर ले गए, 500 किलोमीटर ऊपर ले गए फ्रॉम द अर्थ, ठीक है ना। 8 मार्च को इन्होंने रख दिया। दिस इज द सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च बाई इस्लामिक रिपब्लिक। पहला वाला इन्होंने भैया कब किया था, ध्यान में रखना, कब किया था, अप्रैल 2020 में 425 किलोमीटर के ऊपर ले गए। इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़े हैं भैया, 500 किलोमीटर ऊपर ले गए, ठीक है ना। तो ये बढ़िया बात, अच्छी बात है, सब मेहनत करें, आगे बढ़े। इंडिया है स्कोर 66 आउट ऑफ 100 इसमें। इन द फ्रीडम इन वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट रिलीज बाय द फ्रीडम हाउस टू असेस द पॉलिटिकल राइट्स सिविल लिबर्टीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। इसमें आपकी रैंकिंग वगैरह दी जाती है, नंबर दिया जाता है 166 में भैया, कितने आप फ्रीडम हो, हाउस फ्रीडम टू आपका पॉलिटिकल राइट्स सिविल राइट्स, ये सब आपको कितने अधिकार जो आपको मिले हैं, राजनीतिक अधिकार वगैरह, तो उसके तहत दिया जाता है 100 में से नंबर। तो इंडिया की कौन सा स्थान था, मतलब उसमें कैटेगरी बांटी जाती है, नंबर देके उसमें कैटेगराइज किया जाता है, फ्री, नॉट फ्री, पार्सली फ्री या हाई फ्री। तो इंडिया जो आया है जिस ग्रुप में, वो आया है पार्शियली फ्री, ठीक है ना। तो इनको भैया नंबर वगैरह अपने देश को कितना मिला, हम किस किस कैटेगरी में रहे, पार्शियली फ्री के टर्म में रहे, इन द टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी। फ्री हम हमारा समझ ही सकते हैं, फ्री में हम आ ही नहीं सकते, डेमोक्रेसी का क्या हाल है, उतना फ्री नहीं है। तो इसमें फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 में क्या है, द ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ द अथॉरिटेरियन रूल बाय द फ्रीडम हाउस, इसके द्वारा ये सब टाइटल किया जाता है। इट इज अ एनजीओ, यहाँ यूएस बेस्ड एनजीओ है, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देगा। द रिपोर्ट इज पब्लिश एवरी ईयर, कब से, 1973 से सब चल रहा है। इंडिया ने 66 स्कोर किया 100 में से 2022 में, ठीक है ना। आपका 2021 में कितना नंबर पाया था, 67 नंबर, एक बार नंबर कम है पाया इस बार। इंडिया वॉज अ फ्री कंट्री टिल 2020 व्हेन इट वॉज 71 मार्क्स के लिया, तो कम होता चला जा रहा। 85 कंट्रीज बट टर्म एज फ्री, 85 देश उस लिस्ट में क्या आए हैं, फ्री की लिस्ट में है, 56 पार्सली एंड 69 एज नॉट फ्री, ठीक है ना। ये सब सारा डेटा वगैरह रहा, रैंकिंग वगैरह रहा, नंबर वगैरह अपने हाथ से देख लीजिए। एस एल नारायणन इज एन इंडियन प्लेयर फ्रॉम विच स्पोर्ट्स, किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर लीक हो चुका है, तो आप समझ ही गए होंगे किस से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है एस एल नारायणन, ध्यान रखिएगा। उनके बारे में सारी जानकारी है, इंडियन मास्टर है ये, क्या कर लिए गए, डिक्लेयर द विनर इन द ग्रैंडेस्ट चिक टोलिका इंटरनेशनल ओपन में, जो कि इटली में हुआ 8 मार्च को, और इनके जो कंपैट्रियट थे, क्या थे, आर प्रगलंधा गेम सीकर दूसरे स्थान पे है, ठीक है ना। 24 साल के हैं एस एल नारायणन फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, अर्न द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर इन 2015, इट इज एंड इज द 41st ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। चलो भैया बहुत अच्छा बात है, इतना तेज दिमाग लेके आगे बढ़ते रहो। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरपर्सन, किसको बनाया गया फॉर द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड अपलॉट ट्रिब्यूनल TDSAT टू रिप्लेस जस्टिस शिवकृति सिंह को रिप्लेस कर दिए हैं, किसको बना दिया गया TDSAT का चेयरपर्सन, तो ध्यान रखिएगा जस्टिस DN पटेल जी को, ठीक है ना। थोड़ी जानकारी ले लें भैया कौन है ये। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल, मतलब धीरू भाई नरन भाई पटेल, ठीक है, एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन होंगे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपलॉट ट्रिब्यूनल के, ठीक है। 4 सालों के लिए इनको बनाया गया है। जस्टिस पटेल विल रिटायर्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑन 12 मार्च 2022। तो बढ़िया है, जीवन अच्छा है, एक जगह रिटायर हो, जगह कार्यभार संभालो, तो ही है। IAS हो गए, जज हो गए, इन लोग का रिटायरमेंट कभी नहीं होता। ही विल रिप्लेस द इनकम्पिटेंट TDSAT चेयरपर्सन, किसको कर रहे हैं, जस्टिस शिवकृति सिंह, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध आपके सामने, इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लिनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्ध इज बीइंग बिल्ट एट विच पिलग्रिम साइट, कहाँ पे हो रहा भैया, कहाँ पे, मतलब ये बन रहा है, आप देख रहे होंगे ये आपका स्लीपिंग मुद्रा में है आपके बुद्धा जी, जो 2019 से बनना स्टार्ट हुआ है, तो बनने के काफ़ी करीब आ चुका है, देखो ऐसे बढ़िया हो चुका है सब कुछ, अब धीरे धीरे फाइनल टच में जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा बिहार में बोधगया नामक स्थान पे, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जगहों में से एक है। इंडिया लार्जेस्ट रिक्लिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बिल्ट इन बोधगया बिहार, और किसके द्वारा, स्लीपिंग पोस्चर में है, इट इज बीइंग मेड यूजिंग फाइबर ग्लास पूरा लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो 100 फीट लंबा और 30
फिट हाइट है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये 100 फिट लंबा हुआ भाई साहब, कोई मजाक नहीं है पूरा एकदम, को फोटो खिंचाएंगे आप चढ़ चढ़ के, चढ़ने को तो नहीं मिलेगा, खैर अच्छा लगेगा देखने को, ठीक है ना। तो जियांट स्टेचू जो इतना बड़ा दिख रहा है, किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन, वन ऑफ द टॉप बुद्धिस्ट टेम्पल इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज कोलकाता टेम्पल, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इसका 2019 में स्टार्ट हुआ, बोध गया इज द प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एंड द फेमस पिलग्रिमेज साइट बुद्धिज्म विजिटेड बाई डिवोटीज फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो इसको भी देखने उठने जाएंगे तो अच्छा रहेगा। Who has been declared as the 23rd and the latest women grand master, WGM बन गई है, कौन है ये, जिनकी चित्र भी आपको सामने दिख रहा होगा, प्रियंका नुत्तकी है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई है, 23rd and latest women grand master of India, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बधाई इनको। तो चलिए कहाँ से बिलोंग करती, 19 साल की हैं ये अभी फिलहाल, विजयवाड़ा से हैं, आंध्र प्रदेश जो की हैं। प्रियंका सिक्योर्ड हर फाइनल WGM नाउ एंड MPL 47th नेशनल वीमेन चेस चैंपियनशिप ऑन मार्च 2022। सी सिक्योर्ड हर फर्स्ट WGM नॉम्स इन जनवरी 2019, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज DNA। आगे ऐसा करता हूँ कि सारी चीजें आपकी क्लासेस बैक टू बैक आ रही हैं, उसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे चैनल को, शेयर वगैरह की रफ्तार कम हो रही है बच्चों, क्या कारण है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब वगैरह करवाइए, 600 का क्रॉस कर दिए हैं मुकाम, जल्दी से 700 हो जाए, 1000 हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, फिर उसके बाद तो फिर मिलियन ही मिलियन होगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान आपको रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बढ़े, आगे बढ़े, सबको पता चले, सब पढ़ें लिखें, बढ़ें आगे, जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक बच्चों।